Hey there! Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video, you will get a notification. Students, अब मैं आपको theorem 6.1, जिसे Thales theorem या basic proportionality theorem के नाम से भी जाना जाता है, proof करके बताऊंगा students. तो students, इस theorem में क्या है कि अगर किसी triangle ABC में एक लाइन DE पैरेलल BC ड्रॉ की जाए, तो वो अन्य दो लाइनों को जिन दो पॉइंट पर कट करती है उनको सेम रेशियो में डिवाइड करती है, यानी AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC. तो अब स्टूडेंट्स, इसमें कंस्ट्रक्शन क्या होता है कि एक परपेंडिकुलर डाला जाता है साइड AC पर और एक परपेंडिकुलर डालते हैं साइड ए बी पर. ये ध्यान से सुन लीजिए, एक परपेंडिकुलर डालेंगे साइड ए बी पर और एक परपेंडिकुलर डालेंगे साइड ए सी पर. जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो डी एम है ये परपेंडिकुलर है ए सी पर, और जो ई एन है, ये आपका जो ई एन है ये परपेंडिकुलर है साइड ए बी पर. अब इसमें स्टूडेंट्स, हमें फाइंड करना है ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी. तो इस थ्योरम को स्टूडेंट्स, हम इन ट्रायंगल का एरिया निकाल करके ये चीज़ प्रूफ करते हैं, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी. सो अब स्टूडेंट्स, इसका प्रूफ देखिए. इसमें क्या है कि ये जो ट्रायंगल आपका है, ट्रायंगल ए डी ई यानी एरिया ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का जो एरिया हम निकालेंगे ए डी ई का, ये आएगा 1/2. तो ये इसका, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए उसका फॉर्मूला आता है 1/2 बेस इनटू हाइट. तो इस ट्रायंगल में एक बार हम ए डी को बेस लेंगे और एक बार ए ई को बेस लेंगे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट. तो इसमें हम बेस लेंगे पहले ए डी को. जब ए डी को बेस लिया है तो इसकी जो हाइट होगी वो होगी ई एन, चूँकि परपेंडिकुलर ए बी पर डला है और ए डी ए बी का एक पार्ट है. सो स्टूडेंट, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए. अब इसके बाद हम निकालेंगे, इधर देखिए ए डी अपॉन डी बी लाना है, तो डी बी जो लाना है तो उसके लिए हम ट्रायंगल लेंगे. अब दूसरा बी डी ई, ध्यान से देखिए बी डी ई, तभी हमें ए डी अपॉन बी डी मिलेगा जब हम ट्रायंगल बी डी ई लेंगे, क्योंकि इसी साइड पर परपेंडिकुलर डला हुआ है ये ई एन, क्योंकि तो ये हो जाएगा एरिया ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू 1/2 बेस हो जाएगा बी डी. अब बी डी भी ए बी का एक पार्ट है, तो जो परपेंडिकुलर ए डी के लिए यूज़ हुआ, जो ए बी के लिए यूज़ हुआ, वही डी बी के लिए यूज होगा. पूरी साइड पर परपेंडिकुलर माना जाएगा. अगर नहीं समझ में आता तो आप ये लाइन ड्रॉ कीजिए और ये परपेंडिकुलर डालिए, तो ये परपेंडिकुलर इस पूरी लाइन के लिए है. अब वो कहीं से भी आप बनाइए उसको, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन परपेंडिकुलर इस पूरी साइड के लिए होगा इन टू ई एन. अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए, यानी इन दोनों इक्वेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एरिया ट्रायंगल ए डी ई इक्वल टू एरिया ट्रायंगल बी डी ई. तो स्टूडेंट देखिए, 1/2 ए डी इंटू ई एन इज इक्वल टू 1/2 बी डी इंटू ई एन. तब होगा क्या, ई एन सी एन कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा ए डी अपॉन बी डी. ये एक इक्वेशन हो गई थर्ड स्टूडेंट्स. अब इसी तरीके से हम एरिया ए डी ई अपॉन एरिया, अभी देखिए आपने लिया था बी डी ई, अब लेंगे हम डी ई सी, एरिया डी ई सी. अब देखिए 1/2, अभी हमने लिया था बेस इस वाले में ए डी, अब हम यहाँ लेंगे बेस ए ई, चूँकि परपेंडिकुलर डी एम है
तो 1/2 ये आ जाएगा ए ई इनटू डीएम, ए ई इनटू डीएम अपॉन 1/2। अब देखिए डी ई सी, तो ये हो जाएगा ई सी इनटू डीएम, और ये भी इस पूरी साइड पे परपेंडिकुलर है, तो स्टूडेंट डीएम से डीएम कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो आपको मिल जाएगा ए ई अपॉन ई सी। ये क्वेश्चन हो जाएगी आपकी 4। अब स्टूडेंट्स इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही, यहाँ ध्यान से देखिए, देखिए ये ए डी ई यहाँ है, ए डी ई यहाँ है, और यहाँ पर दिया है एरिया ट्रायंगल बी डी ई, और यहाँ पे दिया है एरिया ट्रायंगल डी ई सी। तो स्टूडेंट्स अगर किसी तरीके से इन दो ट्रायंगल का एरिया इक्वल हो जाए तो हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो दो ट्रायंगल बने हैं बी डी ई और डी ई सी, ये एक ही बेस पर बने हैं, एक ही बेस डी ई पर बने हैं, एक ही बेस डी ई पर बने हैं और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हैं। तो स्टूडेंट्स नाइन्थ क्लास में आपने चैप्टर पढ़ा होगा एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम्स, उसके अकॉर्डिंग एक थ्योरम होती है कि इफ़ टू ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स देन देयर एरियाज आर इक्वल। सो स्टूडेंट्स एरिया ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू एरिया ट्रायंगल डी ई सी। सो स्टूडेंट्स फ्रॉम ये इसको इक्वेशन मान लीजिए 5। सो फ्रॉम इक्वेशन 3rd, 4th and 5 आपको मिल जाएगा स्टूडेंट्स ए डी अपॉन बी डी या डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अब अगर स्टूडेंट्स इसमें हम प्लस वन बोथ साइड अगर ऐड कर दें, क्योंकि इसको इस तरीके से भी कहा जाता है, तो ये आपका प्रूफ हो गया। अब इस स्टेटमेंट को हम इस तरीके से भी स्टूडेंट्स लिख सकते हैं कि ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। ये आया कैसे स्टूडेंट्स, इधर ध्यान से देखिए, देखिए ये है ए डी अपॉन डी बी बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अगर इसमें बोथ साइड हम प्लस वन ऐड कर दें और इसको देखिए ए डी अपॉन डी डी, यानी अब इसको ऐड कर दीजिए डेनोमिनेटर सेम करके, ये हो जाएगा ए डी प्लस बी डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी। अब ए डी और बी डी देखिए फिगर में, ये आ जाएगा ए बी, तो ये आ गया ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ई सी। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर इसको रिवर्स करके लिखते हैं, यानी अगर इसको रिवर्स करके ऐसे लिखते हैं आप बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए ई, और फिर बोथ साइड वन ऐड करें, फिर बोथ साइड वन ऐड करें, तो जैसे हमने यहाँ इसको सॉल्व किया है वैसे ही आपको ये मिल जाएगा कि ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई। ठीक है, तो स्टूडेंट्स
ये स्टेटमेंट अगर थ्योरम आती है तो आपको प्रूफ इतना ही करना है, लेकिन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इनका यूज होता है, इनका हम यूज करते हैं। थैंक यू।